किसी भी कारणवश वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो ये कोई तमीज है कि अपनी बहन को बोलो कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ जाके सो जाओ? आप प्लीज मुझे बच्चा दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती। कौन सब तेरे जैसे नहीं होते और इस जैसे नहीं होते दूसरे। और तुझे उकसा रहा है दूसरी औरत के साथ रहने के लिए। क्या है? बच्चा करने के लिए तू दीदी से बोल रही है अपने पति के साथ सो जा, और पति कह रहा तैयार। लेकिन मैं क्या करूं, हद ही पार हो गई है, इतना परेशान हो गई हूं ना कि मतलब क्या क्या पूरी बातें है, कैसे कैसे क्या चीज हुआ है, कब हुआ है ये सब चीज। और भाई धमकियां भी आपको मिल रही है ना? बहुत, मतलब ऐसा कर दिया है, ना जी पा रही हूँ ना बैठती हूँ कहीं, इतना डर लगता है कि कैसे अपनी लाइफ बचाऊँ, कैसे क्या करूँ। छोड़ो यार, पूरी बात बताओ पहले, ताकि मैं अपने ऑडियंस को बताऊँ। मुझे तो ये सारे बात बता चुकी है, समझा चुकी है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है इनके साथ। पूरी बात बताओ भाई, क्या चीज़ है? हम बहुत गरीब परिवार से है, मम्मी तो थी नहीं, लेकिन पापा भी 2-3 साल पहले गए हैं, तो उसके बाद से मैंने उसकी देख रेख करी। 2 साल पहले उसकी शादी होगी, पसंद उसने खुद किया था लड़के को, लेकिन मैंने शादी करवा दी थी कि भाई ठीक है अच्छे घर से है, बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा, हम गरीब पैसे वाले हैं, फैमिली हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं। अब उसको 2 साल हो गए, तो वो बच्चा नहीं कर पा रही होगी, उसमें कमी है या उसमें कमी है, मुझे बताया भी नहीं है कोई से ने, और मैंने उसकी वजह से शादी नहीं की। तो अब वो बोल रही है दीदी मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर दो, इतने पैसे ले लो। मैंने उसको मना किया, फिर उसके हस्बैंड ने बोला इसमें क्या गलत है। सेंस नाम का कोई चीज नहीं है। अमीर हो गए, पैसा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कहीं भी कुछ भी रोप जमाओगे। भाई अपना और पराये का फर्क भूल गए हो आप। ऊपर से धमकियां भी आती है ना, धमकियां भरी कॉल देते हैं खूब। मेरी बहन तो ये कहती है कि या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो और भी तरीके हैं। क्या क्या बात है, सारा चीज एक बार बताना, समझाना कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, सारा चीज डिटेल में बताओ। मेरी बहन है, उसकी शादी कराई थी हमने 2 साल पहले, तो उसका लड़का उसने खुद पसंद करता, पर वो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा बिजनेस वगैरह, तो अब इन्हें करवा दी थी। तो अब उसको प्रेगनेंसी हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, मुझे ये भी नहीं बताया कि उसमें कमी है या उसमें कमी है। दिक्कत किसमें है, हस्बैंड में या वाइफ में है? मेरी बहन में बताते हैं कि मेरी बहन में दिक्कत, हमारी बहन में दिक्कत। तो अब वो बोल रही है कि मेरे पति के साथ सो जाओ और एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दो, इतना पैसा दे दे के सारी जिंदगी बैठ के खाओगे, कल को मैं अपनी लाइफ नहीं जीऊंगी, मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, मैंने उसकी वजह से शादी भी नहीं किया। आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, मैं उसको क्या बोलूंगी कि मैं एक बच्चा पैदा करके आई हूँ, और अब वो दोनों इतनी गंदी, उसमें प्यार से बांध जाओ, नहीं और भी तरीके हैं हमारे पास, हम ऐसे कर देंगे, गायब करवा देंगे, करवा देंगे अपने घर में भी। छोटी बहन का पालन पोषण करने के लिए, उसकी शादी करवाने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, अच्छा परवरिश करने के लिए ये बेचारी शादी नहीं की। उसकी शादी हो चुकी है, आज किसी भी कारणवश वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो ये कोई तमीज है कि अपनी बहन को बोलो कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ जाके सो जाओ? भाई क्या है भाई, और हस्बैंड भी राजी है, वो तो पूरा सपोर्ट है, मेरी बहन ही कर रही है तो वो तो देगा ना उसका साथ। भाई एक काम करो, अब अपनी हस्बैंड बहन को और उसके हस्बैंड को यहाँ बुलाओ, ठीक है? उसके बाद उनके ना मुंह से निकलवाना है वो सब चीजें, ताकि वो कैमरा में रिकॉर्ड कर ले। और घबराओ मत, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई इंसान कुछ गलत कर नहीं सकता है, समझे? जो भी चीज होगा ना, सारा चीज मैं रिकॉर्ड करके कैमरा के सामने दिखाऊंगा। हाँ बुला लो एक बार यहाँ पर। हाय दीदी, कैसी हो? ठीक हो? और पिताजी कैसे हैं बताओ? बढ़िया, थक गए बहुत ज्यादा, यहाँ पे बुलाया तुमने मुझे, बताओ रूम पे आ जाते। नहीं बस ऐसे गर्मी में क्या फायदा तुम यहाँ पे आई हो, इतना गर्मी भी है ऊपर से थोड़ा। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मौसम रहता है, मौसम है। और बताओ तू ठीक है?
हाँ ठीक हूँ, कहाँ ठीक हूँ, आपको दिख रहा है मैं ठीक हूँ? इतने लोग ताने मार रहे, सब इतना बुरे बुरा बोल रहे सब। मैं समझ रही हूँ बेटा, पर तू डॉक्टर को दिखा। आप समझे तो नहीं रहे हो, फेस करना बहुत दिक्कत हो रखा है। आपको अपनी बहन की खुशी नहीं चाहिए, लोगों की वो चाहिए। लोग क्या आपको देखने आ रहे कि लोग आपको खाने आ रहे, लाने आ रहे? बेटा तो मेरी बात नहीं समझ रही, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या दीदी तुम ऐसे क्यों बोल रहे? आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको घर में ही रहना है। मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम यही बार बार क्यों मना करो? नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, यही क्यों बोले जा रही हो? मैंने तुझे संभालने के लिए देखा, मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं जी तेरे तुझे संभालने के चक्कर में। वही तो बोल रही है, क्या मर जाओगे, क्या करोगी बताओ? चिल्ला क्यों रही है, आराम से बोलना। आजकल मेरा पता ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, ये लगता है मैं तेरी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन तू मेरी बात समझ। देख इसके बदले मुंह मांगा पैसा देंगे, कितना पैसा चाहिए बता दो आप पैसे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, आप मेरे साथ में रहोगे ना, वो आपको पता है ना, मतलब कहीं भी जॉब करोगे जाके, वहाँ पे भी काम करोगे, वहाँ पे भी आपको पैसा मिलेगा। आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, कहीं डॉक्टर को दिखा ले। नहीं दिखाना ना दीदी, नहीं दिखाना मुझे डॉक्टर को। दिखवाए हुए हैं, मतलब डॉक्टर से बहुत दिखवाए, नहीं हो रहा है। आजकल तो इतने इलाज चल गए, कुछ तो निकल जाएगा। मेरे इतना दिक्कत है, मुझ में कमी है, मुझ में, तब भी आप डॉक्टर क्यों करे जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। परेशान है मतलब नहीं हो पाए, जब जाके तो फिर हम आपके पास आए तो क्या? मत परेशान हो, मैं चलूंगी तेरे, मेरी एक जानकार। रहने दो, जो कितना बोल रहे हो उतना कर दो प्लीज। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? ये ठीक है, ये हमारे दामाद, शादी तो तुम्हारी होगी नहीं अब। क्यों नहीं होगी? तो अपनी बहन के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? अभी इस उम्र में शादी करोगी? आपको थोड़ा बहुत भी शर्म आ रहा है? इस उम्र में शादी करोगी? क्यों नहीं करूंगी? मतलब मैंने तुझे इस पालने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज तू मेरे से ऐसी वर्डिंग तो बोल रही है? तो बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ। आप मेरे घर पे रहना, आपके नाम आराम कुछ भी चाहिए सब दे दूंगी मैं आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए बस। बच्चे तो मांग रहे मैं आपसे, शांति भी देंगे हम आपके पीछे, नौकर भी लगवा देंगे ना। मैं आपसे एक बच्चे ही मांग रही हूँ ना, बच्चा कोई वैसे आए उठा के दे दो। क्या उठा के दे दो, क्या उठा के दे दो? तो नहीं कर पा रही प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज मुझे बच्चा दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी बस यार, प्लीज अब ऐसे मत बोलो यार, बंदा हाथ उठाएगा, बोल रही हूँ मैं, मत मारो। मैं नहीं, आपको कितने प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से प्लीज दे दो, दे दो। क्या करोगी तुम? मरी तो जाओगी, दोबारा शादी हो जाएगी क्या? तुम मेरी बहन होगी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मेरी खुशी नहीं दिख रही है, तू मेरी बहन होगी, मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? मैं बुरा डर क्यों रही हो? खा लूंगी क्या मैं चुड़ैल दिखती हूँ क्या तुम्हें? नहीं मुझे नहीं करना, मुझे माफ कर दो, तुम किसी और से करा लो ना यार, प्लीज तुम्हें पैसे देने किसी और को दे दो ना। बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बच्चा तू तो ऐसे, कितना भी पैसा चाहिए कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती। मतलब जान देने के लिए तैयार हो, बच्चा देने के लिए? यार ये क्या, ये कैसा लगता है? खराब लग रहे हैं क्या? खराब लग रहा है क्या? आज तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके मैंने तेरी खुशी के लिए, तुझे पालने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तू बच्चा मांग रही है, मतलब ऐसे मांग रही है जैसे उठा के। मैं भी ऐसे मांग रही हूँ, प्लीज दीदी दे दो मुझे, प्लीज दे दो। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी। मतलब दूसरे के घर पर बर्तन मांजना जरूरी है ना? मांज क्या चलेगा? जब तुझे पालने के लिए इतना कुछ किया, जब तो नहीं तूने बोला कि दीदी मेरे लिए मत करो। एक मौका मिला है आपको घर बैठने का, आराम से बैठ जाओ ना आप लोग, बैठो। मुझे नहीं बैठना, नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं मर जाऊं। तू क्या चाहती है, मैं अपनी जिंदगी खराब कर दूं? मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, तुम्हें बताओ, हम खराब दिखते हैं क्या? हम नहीं, मेरे पास क्या? आपको भी शर्म नहीं आ रही है? आप हमारे दामाद हो, मेरी छोटी बहन के पति हो आप। मैंने यार जब जाके तो नहीं हो, तो किसी और से करा लो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इसकी बड़ी बहन से ये सब बातें करते हुए? उनसे बात कैसे कर रहे हो तुम? तमीज नहीं है क्या तुम्हें बात करने का? तुम दोनों में ही तमीज है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम कितना पैसा, सब कुछ होता है ना, तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। अरे क्यों नहीं यार, मतलब क्यों नहीं समझ रहे, क्यों दिमाग खराब कर, ऊपर से इतनी गर्मी में बुला लिया मुझे, अब तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे? मैं नहीं करूंगी, तुम कुछ भी करो, तुम तैयार कर लो यार, मैं बोल रही हूँ। तुम इतनी धमकियां दो, कुछ भी करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ना घर से बाहर नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी घर पे, कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी आराम कर दिया तुम दोनों ने, क्या किया हम तो, और हम आपको बोले कि आराम से ना। मैं बोल रही धमकियां तुम देते हो, मार दे तुम हो, सब कुछ तो कर रहे हो मेरे साथ।
तो भाई मैं तुमसे प्यार से बोल रही, चलो। नहीं मुझे नहीं करना है कुछ। 9 महीने तुम्हारे कुछ हो जाएगा क्या 9 महीने में? जब मैं ये काम ऐसा नहीं है, आपको ये अच्छे नहीं लगते क्या? पता नहीं तो क्या कैसी बात कर रही है, ये तेरा पति है तो वो तो मान गया ना, वो मान गया, मेरा पति मान गया मुझसे, बोल दिया उसने। मुझे तो सुनने में भी शर्म आ रहा है, ये दिमाग मेरा खराब मत करो तुम मेरा। और आपके अलावा कौन जान रहा है चीज बताओ? मुझे तो सुनते हुए शर्म आ रही है, तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? मुझे ये लगा तुम्हें 2-3 थप्पड़ लगाओ ऐसे लेके जाऊँ घर पे। अपनी बड़ी बहन के थप्पड़? बड़ी बहन को? बड़ी बहन को मेरी खुशी दिख रही है? नहीं ना, बस रो के ड्रामा कर रही हो। तुझे दिखी आज तक मेरी खुशी? तूने कभी बोला कि दीदी आप सेटल हो जाओ, दीदी आप शादी कर लो, दीदी आप बस? मैं तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? नहीं है आपके, इसके और मेरे के बीच? और आप तो मेरे रूम पे रहोगी, घर पे रहोगी, कहीं बात तो ना जाओगी? तुमने मुझे क्या बोला दीदी मेरे में कमी है तो मुझे ये दिक्कत? और आप तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हाँ तो जो भी बोल रहे सही बोल रहे यार, समझने की कोशिश। मुझे तो ना शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहते हुए। शर्म क्या शर्म आ रही है तुझे? शर्म नहीं आ रही है? तुम किसी कोई शादी करेगा तुम्हारे साथ में? क्यों नहीं करेगा? अब शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा। कौन सब तेरे जैसे नहीं होते और इस जैसे नहीं होते दूसरे? क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या क्यों नहीं आ रहा तुम्हें समझ? क्यों नहीं आ रहा? एक बार बोल दे कर लो, कर लो समझ में हो रहे हो ना? करने के लिए मान जाते कोई इतना चिक चिक मान जाओ? नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती हो? नहीं कर सकती मैं, कर सकती हूँ मैं, नहीं कर सकती हूँ। घर पे ले चलो। और अब इतनी गंदी इतनी ऐसी बातें सुन, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? संजू तू तो चुप हो जा। क्या चुप? तमीज से बात करो उनसे, तमीज से, ठीक है? वो जो कर रहा है वो बहुत तमीज है, वो तुझे उकसा रहा है दूसरी औरत के साथ रहने के लिए। वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मुझे नहीं बच्चा अच्छा, मुझे ये नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इनको पसंद है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं चाहिए, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? नहीं करना बोलते जा रही। अब नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी, अब तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या? बैठ के बात कर लो। बोरे करने के लिए इधर आ जाओ, समझ नहीं आ रहा। बैठ के बात कर लो। करने के लिए बोरे आखिरी बार बोरे करो। मेरा भी हाथ उठ जाए तो मत उठो। हाथ करो। चल हाथ उठा। हाथ करो। हाथ करो। पार्क में हल्ला मत किया करो। क्या हल्ला मत करो? बहुत आदमी है यार। घर पे तो ले चलो। घर पे ले चलो। घर पे ले चलो इनको। चल घर पे। घर पे चलो। घर पे ले चलो। नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ। नहीं जाना। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तो जाओ इधर। दूर तुम तो दूर ही रहो। हमें दूरी है। आप बैठ तो जाओ इधर। इधर आ जाए इधर। क्या बैठ जाओ? घर चल घर। मैं नहीं कहीं भी जा रही हूँ। तुम क्यों नहीं जा रहे? बोरे बोरे नहीं जा रही हूँ। बोल रही हूँ ना, बोरे घर पे चल। क्या है? कौन हो भाई? क्या कर रहे थे तू? आप कौन हो? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहे थे? हाथ क्यों ला रहे? क्या कर रहे थे? उसको मार रहे हो? पता चलेगा, आप पता चलेगा क्यों मार रहे हो? पता चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो तू जैसे मार रही थी। अच्छा गुंडा बुला रखे हो ना पार्क में? गुंडा ये मतलब गुंडा गर्दी साले, गुंडा गर्दी साले तू करो। हम गुंडा बुला रखे हैं। अब पता चलेगा तुम दोनों को। गुंडा नहीं है ये। हां क्या है? कुछ और ही है। समझ में आ रहा है? हाथ हाथ कुछ और ही है। मैं हाथ नीचे कौन गलो हो जाता है क्या? छोड़ हाथ छोड़ दे मेरा। इधर हाथ छोड़ दे बोल रही हूं। कौन है ये? कौन है? अंधा हो गया क्या? अंधा हो गया क्या? अंधा हो गया। दीदी तो है इसकी, बता ना। हाथ क्यों लगा रहा तू मुझे? दोनों ने लेडीज पे हाथ उठा रहा हूँ ना। ले क्या है ये? मार क्यों रहे? ले क्या है ये? क्या है ये? क्यों मार रहे इंसान? तो मैं तुम क्यों बीच में क्यों आ रहे हो? क्यों मार रहा हूँ ना? फैमिली मैटर है ये। क्या कर रही थी इनके साथ? कौन है ये? क्या कर रहे हो? कौन है ये बोल? दीदी है मेरी। कौन है ये? क्या बोली थी दीदी से? बच्चा करने के लिए तू दीदी से बोल रही है अपने पति के साथ सो जा और तो पति तेरा तैयार है। पति तो सिखा ही रहा है उसे सब कुछ। तैयार है ना तू? हम सिखा रहे हैं। हाँ तैयार है तू?
तू तैयार है? तू तो तैयार ही है ना? बच्चा कर लेगा? चल बेशरम लड़की, जो दीदी तुझे पढ़ाई लिखाई अच्छे घर में शादी कराई, तू उसी दीदी का साला तू बोल रही है कि तू मेरे पति के साथ सो जा, हाँ तो, मुझे बच्चा दे तो बोली, ताकि तेरा फिगर खराब ना हो। दोबारा बोल रहे, हाथ में लगाया कर। अच्छा लगाऊंगा पूरे निकल यहां से, फोन लगाऊंगा। समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। ये पागल लग रहा है क्या? पता नहीं पागल है क्या? कहां से आया तू? मैं कहां से आया हूं? माइक निकाल, माइक निकालो। फिर क्या रे, माइक लगा के अब पता चलेगा तुम दोनों। क्या पता चलेगा? अभी पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? नहीं मुझे नहीं पता। सारा चीज रिकॉर्ड किया ना, दिखाओ ना चेहरा, दिखा इसका बढ़िया से। अरे यार क्या करवा रखते हो? कैमरा लगा है क्या? है सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। कितने लोग देख रहे हैं? 10,000 ना, और शेयर करवा। लोग देख रहे हैं और शेयर करवा। देखेंगे बात किसे? 10 मिनट हुए नहीं, 10,000 लोग देख रहे हैं। क्या कैमरा, कहां कैमरा लगा? 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं। कैमरा कहां लगा है? देख 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं तेरे को। मैं बोल रही कैमरा बंद कर, समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रही नहीं करूं। कितने हो गए? 50,000 लोग अभी तुझे लाइव देख रहे हैं यहां पे। अब बता प्लीज कैमरा बंद। अब बता कैमरा बंद करवा। कैमरा बंद करना है? कैमरा बंद करवा दो। तू अपनी बहन को बोल रही है अपने हस्बैंड के साथ सोने के लिए, यही ना? हाँ बोल रही हूँ। ताकि तुझे बच्चा चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर खराब हो जाएगा। साला बहन लिखाई पढ़ाई हर को काम करवाई, अब तू क्या बोल रही है? बच्चा दे। तो हेलो क्या बोल रही है? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तू साला अमीर ज्यादा, क्या बोला बोलने के लिए? अभी अब नहीं होगा। क्या क्या बोल रहा था? सोएगा तू इसके साथ? नहीं। सोएगा तू इसके साथ? हाँ जा सो जा। नहीं बच्चा करेगा इसके साथ? नहीं बच्चा करेगा तू इसके साथ? क्यों हाथ चला रहे हैं फालतू में? क्यों हाथ चला रहा हूँ? क्यों चला रहे हो? हाँ क्यों? कितने लोग हुए? कितने लोग जुड़े? 80 भाई, 80,000 चाहे 75,000 हो मुझे कोई फर्क नहीं। सामने से हट जा, अब सामने से चेहरा दिखा। इधर 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 सामने से चेहरा दिखा इसका। भाई 80,000 जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, भाई जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, ताकि ये अपनी बहन को क्या बोल रही है? अपने हस्बैंड के साथ सोने के लिए। क्या बोल रहे? सही बोल रही हूँ। जाना क्यों हाथ मिला रहा है? अबे चल निकल यहाँ से, चल निकल। उन्होंने माफी मांगी। क्या माफी? चल निकल। ऐसी बहन से माफी आप नहीं मांगती? नहीं मांगेगी? नहीं मांगती हूँ, नहीं मांगेगी, नहीं मांगती हूँ। साला बेशरम लड़की, जो बहन तुम्हारा को साला खिलाया पिलाया क्या नहीं कुछ कराया, तू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तेरे को फर्क पड़ेगा भी नहीं, तेरे जैसे बहन से ना साला इंसान बिना बहन का रहे। साला बेशरम लड़की है। देखो भाई बेशरम लड़की को पता है कि कैमरा चल रहा है, उसके बावजूद भी भाई तेरी भी है, तेरी भी है। तेरे को चाहिए ना? नहीं नहीं, तेरे को चाहिए ना बच्चा? हमें वो बोली थी। क्या बोली थी? क्या बोली थी? वो तो चली गई अपना पल्ला झाड़ के, हाँ रंग दिखा के, एटीट्यूड दिखा के। क्या बोली थी? क्या बोली थी? कि बोल मेरा फिगर खराब हो जाएगा। चल निकल निकल निकल। तूने क्या कर दी? कुछ निकल निकल साले, मतलब बदतमीज सब। भाई पता है लोग वीडियो देख रहे हैं, पता है कि लाइव चल रहा है, पता है कि 80,000-90,000 जितने लोग यहाँ पे हैं शेयर करेंगे, उसके बावजूद भी ऐसे एटीट्यूड दिखा के गई है। भाई समझ नहीं आता है भाई कहाँ से ऐसे बेशरम लोग आ जाते हैं। एक ये देखो बेचारी भोली गाय की तरह है, और वो तिक्खी मिर्ची भी कम है उसके सामने। भाई तुम्हारी बहन है कि सौतेली बहन है? नहीं, मेरी बहन है। हाँ मेरी बहन। तो तुम इतना शरीफ हो, इतना बदतमीज कैसे हो गई? पता नहीं भाई, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो दबा के भाई, ताकि इसकी बहन जितना बदतमीज यहाँ पे करके गई है, उतना बदतमीज किसी और के साथ कोई और ना करे। और भाई सुनो, मैं ये वीडियो क्लिप आपको दे रहा हूँ जी। आपको करना क्या है, आपके पास सबूत है? अगर इनकेस कभी भी आपको अगर बोलती, पहले तो सबूत नहीं था आपके हाथ में, नहीं। अब आपके पास सबूत है, कभी भी इन फ्यूचर आपको अगर बोलती है कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, क्लिप ले जाना, सीधे थाने में जाके FIR कर देना, ठीक है? धन्यवाद। जितना हो सके भाई उस पे ना कंप्लेन लगेगा। हाँ जी धन्यवाद, मैं तो बोल भी नहीं पाया। घबरा मत भाई, इतना बेचारी शरीफ पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है भाई। पहले से ऐसे ही थी कि या शादी के बाद ऐसे हुई है? शादी के बाद हो गई है, नहीं पहले। हस्बैंड भी तो शरीफ ही लग रहा था, थोड़ा सा ठरकी है हस्बैंड, मगर उतना बदतमीज नहीं जितना इसकी बहन बदतमीजी निकल के गई है यहाँ से। भाई जितना हो सके ना शेयर करो भाई दबा के।